Hello YouTubers and tech lovers out there, Kshitij Kumar again here from Horizon Tech for You. और Horizon Tech for You के आज के इस एपिसोड में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं. कंपैरिजन है, बहुत सारे लोग इसमें कंपेयर करते हैं प्रोसेसर के रिगार्डिंग, और एक डिस्कशन है जो मैं आपके साथ करना चाहता हूं और आपको समझाना चाहता हूं कि आप ऐसी गलतियां ना करें. ठीक है, मैंने अपना एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने समझाया था कि सारे मेगाहर्ट्ज़ गीगाहर्ट्ज़ सेम नहीं होते, तो वो भी आपको समझाने के लिए था रिगार्डिंग प्रोसेसर कि आप ऐसी गलती ना करें. और ऐसा ही एक ये और डिस्कशन है जो बहुत सारे लोग, और ये जो गलती है वो तो मैंने देखा है कि अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस्ड यूज़र भी जो बहुत सालों से कंप्यूटर को यूज़ कर रहे होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो आईटी फील्ड में भी हैं, तब भी ये गलती कर देते हैं. ठीक है, तो ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है और समझने वाली बात है रिगार्डिंग प्रोसेसर. ठीक है, रिगार्डिंग कोर्स, ये कंपेरिजन है जो होने वाला है, कोर की जो स्पीड है, कोर की जो क्लॉक है वर्सेस नंबर ऑफ कोर्स. अगर एक प्रोसेसर हम चूज़ करते हैं तो उसमें ये दोनों फैक्टर्स हैं जो अप्लाई होते हैं, दोनों चीज़ें हैं जो देखनी पड़ती है कि उसकी क्लॉक स्पीड क्या है एज़ वेल एज़ उसमें कितनी नंबर ऑफ़ कोर्स है. लेकिन मैंने देखा है कि बहुत सारे यूज़र यहाँ पे गड़बड़ियाँ भी करते हैं, गलतियाँ करते हैं, इसीलिए मैंने ये कहीं ना कहीं ये वीडियो बनाया है ताकि मैं आपको वंस एंड फॉर ऑल समझा दूँ कि ऐसा क्या आपको करना है और क्या नहीं करना है. ठीक है, तो कभी भी मैंने अपने बहुत सारे वीडियोज़ में जब भी कभी रिसोर्सेज की बात होती है तब कहा है कि ये सही है या ये सही है हम कभी नहीं कह सकते. दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह सही होती है, जहाँ जिसकी ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पे वो सही है. तो जो पावरफुल कोर्स की जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पे पावरफुल कोर्स वाला सीपीयू लगाना सही है, चाहे नंबर ऑफ़ कोर्स है वो कम है. लेकिन जहाँ पे ऐसी ज़रूरत है जहाँ पे नंबर ऑफ़ कोर्स की ज़्यादा ज़रूरत है, कोर का जो क्लॉक है वो कम होगा तो भी चलेगा, लेकिन कोर्स ज़्यादा चाहिए, मल्टीपल कोर्स, ज़्यादा कोर्स चाहिए, तो वहाँ पे ऐसा सीपीयू लगाना सही है. ठीक है, तो ये आपको समझना पड़ेगा. मैंने हर बार कहा है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स पहले आपको पता होनी चाहिए, आपकी जो नीड्स हैं वो पता नहीं है, वर्कफ्लो पता नहीं है, देन आप कोई एक सिस्टम बिल्ड करने जाओगे, सीपीयू चूज करने जाओगे, तो ऑलवेज आप गलती करोगे, गलत डिसीजन लोगे और देन पछताओगे कि ऐसा क्यों किया मैंने. ऐसा ना हो, आपके पैसे इन्वेस्ट, ये पैसों की बात है, कहीं ना कहीं हम सीपीयू खरीदते हैं, बहुत महंगे महंगे सीपीयूज होते हैं, तो आप एक सही सीपीयू चूज कर पाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और आपका वर्कफ्लो आपको पता होना चाहिए, तभी आप एक सही डिसीजन ले पाओगे. तो जैसे गेमर्स की बात करें, ये गेमर्स में एक बहुत बड़ा मिथ है, और मैंने टाइम एंड टाइम अगेन जब भी कभी रिसोर्सेज की बात की है तो गेमर्स की बात की है, क्योंकि गेमर्स की जो कैटेगरी है वो कंप्यूटर की जो टेक्निकलिटीज़ है उससे इतने ज़्यादा फेमिलियर नहीं होते, और वो कहीं ना कहीं ये गलती कर देते हैं. ठीक है, जो अगर मैंने मेमोरी का जब बात की थी, मेमोरी की फ्रिक्वेंसी की बात की थी, मेमोरी चैनल्स की जब बात की थी, तब भी मैंने गेमर्स का एक एग्जांपल दिया था कि उनको ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए. ऐसे ही जब सीपीयू का सिलेक्शन आता है तब भी गेमर्स जो होते हैं वो बहुत गलतियाँ कर देते हैं और वो ऐसा एक गलत सीपीयू चूज़ कर लेते हैं. तो अगर आप गेमर हो, गेम्स की जो रिक्वायरमेंट होती है, गेम इंजन जो बैकग्राउंड में चल रहे होते हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट होती है कि उनको कम नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ जो कोर्स है वो कम हो तो चलेगी, लेकिन वो कोर्स है सारी की सारी इंडिविजुअल कोर्स वो पावरफुल कोर्स होनी चाहिए. ठीक है, तो गेम का जो प्रेफरेंस है वो है पावरफुल कोर्स, ना कि ज़्यादा कोर्स. ठीक है, डेफिनेटली चार कोर तो चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट है, लेकिन बहुत ज़्यादा कोर वाला अगर आप वहाँ पे गेम्स में सीपीयू लगा देते हो तो उसका कोई मीनिंग नहीं है. मैंने अपने जनरेशन वाले वीडियो में कहा था कि इंटेल, मैं यहाँ पे इंटेल प्रोसेसर की बात करूँगा, और जब भी कोई नई जनरेशन लॉन्च की जाती है, इंटेल अपनी जब भी नई जनरेशन लॉन्च करते हैं, नए सीपीयूज़ लॉन्च करते हैं, तो उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. एक होती है मेन स्ट्रीम, मैंने वहाँ पे समझाया था, जो कि एक नॉर्मल यूज़र्स को ध्यान में रखकर डिज़ाइन की जाती है. एक है एंथूजियस्ट कैटेगरी, वर्क स्टेशन कैटेगरी, जो प्रोफेशनल्स के लिए डिज़ाइन की जाती है, एज़ वेल एज़ एक दूसरी कैटेगरी है जो कि है ज़ियोन्स. बहुत सारे अलग अलग प्रोसेसर एक जनरेशन के साथ लॉन्च किए जाते हैं, कुछ होते हैं मोबाइल प्रोसेसर, कुछ होते हैं डेस्कटॉप प्रोसेसर, कुछ होते हैं ज़ियोन के प्रोसेसर. तो अब एक ही जनरेशन के सारे के सारे प्रोसेसर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सेम है, सेम पर्पज़ के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, अलग अलग पर्पज़ के लिए अलग अलग कैटेगरी डिज़ाइन की जाती है. फिर भी यूज़र कहीं ना कहीं इनमें कंपैरिजन करके एक गलत कैटेगरी में एंटर करने की कोशिश करता है, और ध्यान वो पछताता है, पछताने के अलावा कुछ नहीं होता कि यार क्यों किया मैंने ऐसा, और फिर उसको सेकेंड हैंड के प्राइस पर सेल करना पड़ता है वो सीपीयू. ठीक है, तो गेम्स की अगर मैं बात करूँ, गेमर्स की बात करूँ, तो आपको ये मेरा फाइनल आंसर है, और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि बियॉन्ड मेन स्ट्रीम कैटेगरी जाने की ज़रूरत नहीं है. आप जो भी गेम्स प्ले करते हो उसके लिए मेन स्ट्रीम कैटेगरी का जो सबसे हाई सीपीयू है, यानी कि i7, जिसमें चार कोर और 8 थ्रेड्स मिलती है, और जनरेशन कौन सी है वो डिपेंड करता है, लेकिन अगर मैं 6th जनरेशन की बात करूँ, तो अभी की जितनी भी गेम्स हैं
6700K, अगर ओवरक्लॉक की भी बात करें, ओवरक्लॉकिंग भी करना चाहते हो तो 6700K ले लीजिए, यार नहीं करना है तो 6700 भी मोर देन इनफ। लेकिन अगर ओवरक्लॉकर भी हो तो 6700K जो प्रोसेसर है i7 का, उसके साथ एक अच्छा GPU, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आप अच्छे से अच्छे गेम्स अच्छी डिटेल पे खेल सकते हो, ठीक है। लेकिन बहुत सारे गेमर्स हैं, ये यहाँ पे गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि मुझे अच्छे रिजोल्यूशन में और अच्छी डिटेल में गेम खेलनी है, तो फिर वो गलत कैटेगरी में चले जाते हैं, यानी कि एंथूजियस्ट कैटेगरी में चले जाते हैं। और कुछ हैं जो उससे भी बियॉन्ड ज़ियोन्स में चले जाते हैं, सर्वर के जो प्रोसेसर हैं, और फिर उसका अगर कंपैरिजन किया जाए, मैंने ये पर्सनली देखा है, अगर कोई एक गेम है जो मेन स्ट्रीम कैटेगरी का i7 है उस पे खेली जाए, ठीक है, उस GPU के साथ, और ज़ियोन के साथ वही सेम गेम उसी सेम GPU के साथ खेली जाए, तो वहाँ पे डेफिनेटली मेन स्ट्रीम कैटेगरी का i7 ज़ियोन को भी पीछे छोड़ देता है। वहाँ पे सही वो अच्छा परफॉर्म करता है, या तो उसके इक्विवेलेंट परफॉर्म करता है, ज़ियोन का इक्विवेलेंट या उससे बियॉन्ड परफॉर्म करता है, लेकिन उससे डाउन कभी नहीं होता, ठीक है। जैसे मैंने कहा, गेम्स की रिक्वायरमेंट है कि नंबर ऑफ़ कोर्स कम हो लेकिन पावरफुल कोर्स हो, ये गेम्स की जो गेम APIs होते हैं या गेम इंजिन्स होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट है, तो आपको ये समझना पड़ेगा, स्पेशली गेमर्स, ठीक है, ये गलती ना करें। मेन स्ट्रीम कैटेगरी इज़ मोर देन इनफ फॉर यू, ठीक है। तो सिर्फ CPU से काम नहीं चल जाता, आपको एक अच्छा GPU भी लेना पड़ेगा। तो जो मैंने बहुत बार कहा है कि आप मेमरीज पे और CPUs पे इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करने से अच्छा, मैं ये भी नहीं कह रहा कि बिल्कुल लो क्वालिटी का CPU ले लोगे तो चलेगा, लेकिन सब कुछ बैलेंस्ड होना चाहिए। मैंने अपने कंप्यूटर के जो बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड सिस्टम है, वो जो वीडियो है उसमें मैंने समझाया था कि सब कुछ बैलेंस्ड होना चाहिए। तो एक अच्छा CPU, उसके साथ एक अच्छा GPU, अच्छी क्वालिटी की RAM, डिसेंट क्वालिटी की, ये सब पूरा सिस्टम होगा, एक अच्छी SSD, तो आपका जो पूरा गेम परफॉर्मेंस है, एक अच्छा मॉनिटर भी, ठीक है, सब कुछ रिक्वायर्ड है। ये सब कुछ मिलेगा तो एक अच्छा गेम परफॉर्मेंस आपको एंजॉय करने को मिलेगा। तो ऐसी गलती करके ज़्यादा पैसे एक CPU पे लगा दो और फिर एक बेकार GPU ले लो, तो वो सही नहीं है। वो CPU चाहे उसकी कोर्स नंबर ऑफ कोर्स कितनी भी ज़्यादा हो वहाँ पे, वो किसी काम के नहीं है, आपके किसी काम के नहीं है, वो एक अलग एप्लीकेशन के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, अगर मैं एंथूजियस्ट कैटेगरी की भी बात करूँ या ज़ियोन की भी बात करूँ, ठीक है। अब एक और कैटेगरी है जो वीडियो एडिटर्स और ऐसे प्रोफेशनल टाइप के लोग हैं, वो भी ये गलती करते हैं, उनके लिए ये कैटेगरी डिज़ाइन की गई है जो कि एंथूजियस्ट कैटेगरी है, एक्सट्रीम कैटेगरी, ठीक है, लेकिन फिर भी वो उसको छोड़ के ज़ियोन में जाने की कोशिश करते हैं, मैंने देखा है ये, ठीक है। तो जैसे हम बात करें अभी 6th generation का जो एक्सट्रीम कैटेगरी का सबसे हाईएस्ट CPU है, यानी कि 6950X, जिसमें 10 कोर्स मिलती हैं फिजिकली और 20 थ्रेड्स मिलती है, ठीक है, तो वो CPU बहुत पावरफुल CPU है, लेकिन उसकी प्राइस अभी इतनी ज़्यादा है कि बहुत सारे लोग इस प्राइस फैक्टर को ध्यान में रखते हुए ऐसा कंपैरिजन या ऐसा एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, एंड देन वो कोई पुरानी जनरेशन का ज़ियोन, ठीक है, ज़ियोन की प्राइस तो डेफिनेटली इससे भी ज़्यादा होती है अगर अभी की जनरेशन की बात करें, लेकिन पुरानी जनरेशन का कोई ज़ियोन ढूंढ लेते हैं वो, जिसमें नंबर ऑफ़ कोर्स हैं वो ज़्यादा होती है और वो इस पर्टिकुलर उसकी जो प्राइस है वो कम होती है, क्योंकि पुरानी जनरेशन का है, क्योंकि जब भी नई जनरेशन आती है तो पुरानी जनरेशन के जो CPUs हैं उनकी प्राइस कहीं ना कहीं डाउन हो जाती है, तो वो इनके बीच में कंपैरिजन करते हैं। एक सिस्टम है जो 6950X पे बनाया गया है और एक है जो पुराना कोई ज़ियोन है उसके बेस बनाया गया है, लेकिन फिर भी इन दैट कैटेगरी भी 6950X जीत जाता है। इवन समटाइम्स मैंने ये भी देखा है कि दो ज़ियोन्स लगाए जाते हैं, एक सिंगल CPU 6950X के अगेंस्ट दो पुरानी जनरेशन के कोई ज़ियोन्स, ठीक है, सर्वर जो बोर्ड होते हैं उस पे दो CPUs भी लग सकते हैं, तो दो ज़ियोन लगाए जाते हैं, तो वो दोनों ज़ियोन मिलके भी 6950X को रेंडरिंग टाइम में हरा नहीं पाते हैं, ऐसा मैंने देखा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपका वर्क फ्लो ऐसा है, रेंडरिंग ऐसा कुछ कर रहे हो तो आपको एंथूजियस्ट कैटेगरी में ही जाना चाहिए, गेमर्स हो तो मेन स्ट्रीम कैटेगरी में। और अगर आपकी एप्लीकेशन ऐसी है कि आपको ऐसा हैवी मल्टीटास्किंग, ठीक है, सिर्फ मल्टीटास्किंग नहीं कह रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि 5-6-7 एप्लीकेशन खोलना एक साथ वो मल्टीटास्किंग नहीं होता। आज का कोई भी CPU i1 i3 भी होगा आज की जनरेशन का, तो वो भी 5-6-7 एप्लीकेशन को एक साथ हैंडल कर सकता है, कोई इशू नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप हैवी मल्टीटास्किंग या सर्वर टाइप का कोई एप्लीकेशन है आपका, तब आपको ज़ियोन लेना चाहिए। ज़ियोन उनके लिए ही डिज़ाइन किया जाता है। अगर आप इंटेल की साइट पर जाके देखोगे तो अलग अलग कैटेगरी आपको मिलेगी, डेस्कटॉप के लिए अलग है, मेन स्ट्रीम है, एंथूजियस्ट है, मोबाइल प्रोसेसर अलग होते हैं, एम्बेडेड प्रोसेसर अलग होते हैं, जो थोड़े पावर सेविंग टाइप के प्रोसेसर होते हैं, या फिर ज़ियोन्स हैं वो अलग हैं, सर्वर के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। तो ऐसा कोई एप्लीकेशन है जहाँ पे ऐसी हैवी मल्टीटास्किंग होने वाला है, बहुत सारी साइमल्टेनियस रिक्वेस्ट आने वाली है, सर्वर ही डिज़ाइन कर रहे हो, जिस पे सर्वर होता है उस पे क्या होता है, बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है साइमल्टेनियसली, ठीक है, हज़ारों रिक्वेस्ट आती है एक साथ, तो उस पर्टिकुलर सिनारियो में को ध्यान में रख के ज़ियोन को डिज़ाइन किया जाता है। तो ज़ियोन में नंबर ऑफ़ जो कोर्स होती है वो ज़्यादा होती है, लेकिन उनकी क्लॉक इतनी हाई नहीं होती, लेकिन वहाँ पे नंबर ऑफ़ कोर्स ज़्यादा होती है। तो ज़ियोन की अगर मैं बात करूँ तो 20-22-24 कोर के ज़ियोन भी अवेलेबल है, तो वो आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा,
कि वहाँ पे नंबर ऑफ कोर्स ज़्यादा है, वो जो क्लॉक उसकी जो क्लॉक है वो थोड़ी कम होती है, वो सारी की सारी कोर्स है वो इतनी पावरफुल नहीं होती जितने एंथुजियस्ट कैटेगरी के सीपीयू की क्लॉक पावरफुल होती है, लेकिन वो पावरफुल कोर ना होने के बावजूद वहाँ पे नंबर ऑफ कोर्स ज़्यादा है तो वो अच्छे से परफॉर्म करेगा इन दैट सिनारियो जहाँ पे ऐसी ज़रूरत है सर्वर में, ठीक है। अगर सर्वर का कोई सीपीयू गेम्स में यूज़ किया जाए तो वो डेफिनेटली हारेगा ही हारेगा कंपेयर टू मेन स्ट्रीम, और अगर कोई ऐसा मेन स्ट्रीम का जो सीपीयू है या इवन एंथुजियस्ट कैटेगरी का सीपीयू उसको अगर सर्वर के वर्कलोड में डाला जाए तो वो वहाँ पे हारेगा ही हारेगा, ठीक है। तो वो अपना परफॉर्मेंस वहाँ पे दिखाई नहीं पाएगा, वो उसके लिए बना ही नहीं है। तो आपको ये समझना पड़ेगा जो भी कैटेगरी है आपकी उसके हिसाब से सीपीयू चूज़ कीजिए, ना कि ये जो क्लॉक की स्पीड है या जो नंबर ऑफ कोर्स उसमें मिलती है, स्पेशली नंबर ऑफ कोर्स को ध्यान में रख के कभी भी सीपीयू डिसाइड मत कीजिए। आपका जो वर्क फ्लो है उसको ध्यान में रख के और आपकी जो नीड्स है एज वेल एज आपका जो बजट है बहुत बड़ा फैक्टर है उसको ध्यान में रख के एक फाइनल डिसीजन लीजिए और अच्छे से सीपीयू सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। सो आई होप कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी बताया जो भी समझाया सही से समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी कुछ इश्यू है कुछ नहीं समझ में आया है कुछ कंफ्यूजन है तो मुझे बताइए, आई विल डेफिनेटली आंसर यू एंड आई विल डेफिनेटली सी यू गाइज लेटर इन माई नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन टेक केयर गाइज, लर्न मोर एंड स्प्रेड द नॉलेज। थैंक यू सो मच।